हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस चल रही थी, या फिर इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप के हैं उसकी क्लासेस चल रही थी। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि अभी तक आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में समझ चुके हैं, आप ये पता चल गया है आपको कि क्रिएटिविटी क्या होती है, इनोवेशन क्या होता है, और साथ ही कि जो नया नया वेंचर होता है, कोई न्यू वेंचर होता है, उसको कैसे स्टार्ट किया जाएगा, उसकी प्रोसेस क्या रहती है, अभी आप ये समझ चुके हैं। अब आपको ये समझना है कि नया उपक्रम जो हम खोल रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो यही आज का हमारा चैप्टर रहेगा कि नए उपक्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यू वेंचर। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर किया करिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। उसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होता, सिर्फ एक लाइक करना होता है। लाइक कर दिया करिए और फिर साथ शेयर भी कर दिया करिए। आइए शुरू करते हैं। तो नया उपक्रम जो एक होगा वेंचर, आपने काफ़ी इसके बारे में अलग अलग पढ़ा होगा, सुना होगा, कभी कंपनी का नाम सुना होगा, कभी पार्टनरशिप का नाम सुना होगा। तो जो नया उपक्रम होता है उसके मेनली जो प्रकार होते हैं, फाइव टाइप्स दे रखे हैं। पहला हो जाता है सोल प्रोप्रेटरशिप, एकल स्वामित्व, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, साझेदारी, पार्टनरशिप, कंपनी और सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये फाइव टाइप्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कि सोल प्रोप्रेटरशिप या फिर एकल स्वामित्व क्या होता है। नाम से ही क्लियर हो रहा है, एकल, एक व्यक्ति। जब कोई एक व्यक्ति किसी बिजनेस को चला रहा होगा, वही व्यक्ति सर्वेसर्वा होता है, वही व्यक्ति ही सारे डिसीजन लेगा, तो वो क्या कहलाता है, एकल स्वामित्व कहलाता है। और ये बहुत ही पुराना प्रकार है, आज के टाइम में भी बहुत प्रचलित है। अगर हम देखें कि छोटे पैमाने पर जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं, या फिर जो अपने आसपास से आप देख रहे हैं शॉप्स हैं सबकी, या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, तो वो आपका एकल स्वामित्व होता है। अगर हम बात करें कि स्थापना की, तो सबसे इजी होता है, आपको कहीं पर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, कहीं पर कुछ भी करने की, क्योंकि तो कम पूंजी से स्टार्ट होते हैं, कम कैपिटल से स्टार्ट होते हैं। तो आपको कैपिटल को भी अलग अलग, जैसे कि आपने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि वित्त का प्रबंध करना पड़ता है कि कहाँ से वित्त आएगा, कहाँ कहाँ से फाइनेंस हम कलेक्ट करेंगे, लेकिन इसमें ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती हैं, आवश्यक पूंजी भी इजिली कलेक्ट हो जाती है। तो ये व्यवसाय जो होता है एकल स्वामित्व बहुत ही आसान होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एल एच हैने ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि व्यक्तिगत उद्यमी पद्धति या एकाकी उद्यमी पद्धति, जैसा कि कभी कभी कहा जाता है, वह औद्योगिक प्रणाली है जिसमें व्यवसाय अधिकांशतः व्यक्तियों तथा परिवारों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार व्यावसायिक संगठन व्यक्तिगत उद्यमी प्रारूप एक ऐसा संगठन है जिसका प्रमुख एक व्यक्ति होता है, या कभी कभी व्यक्तियों का एक पारिवारिक समूह होता है जो उत्तरदायी होता है, इसके संचालन का निर्देश करता है तथा जो असफलता का जोखिम अकेले उठाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि जो जोखिम होता है वो वहन भी उसे अकेले व्यक्ति को ही करना पड़ता है जिसका वो बिजनेस होगा। अच्छी डिफिनेशन है, और भी डिफिनेशन दे रखी है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो कोई भी आप तैयार कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। किम्बाल एवं कम्बाल की भी बहुत अच्छी डिफिनेशन है, एकाकी व्यापारी वह है जो अपने व्यवसाय से संबंधित अपने देश के सामान्य तथा विशिष्ट नियमों के अंतर्गत अपने व्यवसाय की समस्त बातों का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अच्छी डिफिनेशन है, छोटी सी, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ या फिर एकल स्वामित्व क्या होता है, तो वहाँ पर यह डिफिनेशन आप दे सकते हैं। अब आ जाएगा कि विशेषताएं क्या होती हैं। एक ही व्यक्ति का स्वामित्व रहता है, आप समझ ही गए होंगे, उसी का प्रबंधन रहता है, वही मेन ओनर भी होता है, कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता क्योंकि उसका अपना ही व्यवसाय है, वही उत्तरदायी है, वही जोखिम को वहन कर रहा है, तो अलग कोई भी स्वामित्व नहीं होता। जैसे कि कंपनी में भी आप पढ़ेंगे कि कंपनी जो होती है और जो उसके सदस्य मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो किसी सदस्य के आने जाने का कंपनी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो अगर बात हम करेंगे एकल स्वामित्व की, सोल प्रोप्रेटरशिप की, तो अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो वो बिजनेस भी समाप्त हो जाता है। समस्त लाभ स्वामी का ही होता है, जोखिम अकेले स्वामी को ही उठाना पड़ेगा। दायित्व सीमित है, लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है क्योंकि वो एक अकेला ही व्यक्ति है। तो अगर वो कोई लोन ले रहा है तो उस लोन को चुकाने का उत्तरदायित्व भी उसका अपना ही होगा। कम कानूनी औपचारिकताएं, जैसे कि पहले ही बताया था यहाँ पर मैंने कि हो सकता है कोई ऐसा बिजनेस हो उसमें लाइसेंस लेना पड़े, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने की, निबंधन करवाने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। ये सब हो जाएंगी एक सोल प्रोप्रेटरशिप जो होती है उसकी विशेषताएं या फिर फीचर्स। क्या मेरिट्स होती हैं? सुगम स्थापना, आसान होता है उसको स्थापित करना, एस्टैब्लिश करना। प्रत्यक्ष प्रेरणा, क्योंकि वो स्वयं अपने ही, उसको जितना भी प्रॉफिट होगा उसका अपना ही होता है, तो डायरेक्ट उसको मोटिवेशन होती है काम करने की।
अपना पूरा कंट्रोल रहता है, वो डिसीजन जल्दी ले सकता है, क्योंकि उसे किसी से पूछना नहीं है, कोई मीटिंग नहीं बुलानी है। कारोबार में लचीलापन, वो अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोसेस को जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकता है। वो अपनी यथा रहती है, अकेला है तो उसके सारे डिसीजन अपने होंगे, सारे जो भी अकाउंट्स रखेगा अपने पास रहेंगे उसके, तो वो अपनी रहता है। व्यक्तिगत संपर्क जो भी उसके जिसके भी साथ वो अनुबंध कर रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है उसके डायरेक्ट होते हैं, तो हर किसी से उसका अपना एक प्रत्यक्ष डायरेक्ट कनेक्शन बन पाता है। व्यवसाय के समापन में आसानी, वो जब चाहे जैसे चाहे अपने बिजनेस को खत्म कर सकता है। तो ये हो जाएंगे गुण। अब आ जाते हैं सीमाएं, क्योंकि गुण है तो कुछ सीमाएं भी होंगी, लिमिटेशंस भी होंगी। क्या है लिमिटेशंस? सीमित साधन होते हैं, एक अकेला व्यक्ति है तो उसके साधन भी क्या होते हैं, सीमित होते हैं। क्योंकि जितनी उसके पास कैपिटल है या फिर उसको कैपिटल कलेक्ट करने के साधन भी जो उसके सीमित ही रहते हैं, कम रहते हैं। क्योंकि जो भी ऋण देगा वो ये भी देखेगा कि आप पास कितनी सामर्थ्य है उस ऋण को चुकाने की, या फिर लिक्विडिटी कितनी है, तो एक अकेले व्यक्ति की कम होगी। सीमित तो बन क्षमता, क्योंकि अपनी उसकी जो भी क्वालिटीज़ होती हैं उसको ही वो इनपुट कर पाएगा अपने बिजनेस में। जब कई व्यक्ति एक साथ मिलकर होते हैं तो समझ लीजिए आपके पास कोई हो सकता है किसी भी किसी स्किल्स में ज़्यादा एफिशिएंट हो, कोई दूसरा व्यक्ति किसी और स्किल में हो, तो बहुत ज़्यादा एक तरह से टैलेंट आपके पास कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक अकेला व्यक्ति कर रहा है तो उसकी क्षमताएँ भी लिमिटेड होंगी। बड़े पैमाने पर जब आप लार्ज स्केल पर बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर बहुत से बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो उतनी ही आएगी, चाहे आप 1000 यूनिट्स को बनाएं या फिर आप जो है 10000 यूनिट्स को बनाएं। जो बिल्डिंग आपने ली है उसके लिए रेंट आपको पूरा ही देना है, तो इसीलिए जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वहाँ पर उसका बेनिफिट मिल जाता है जब आप लार्ज स्केल पर बिजनेस कर रहे हो। असीमित दायित्व यहाँ पर क्या रहता है, उसका दायित्व अनलिमिटेड है। अगर किसी भी को लॉस होता है तो उसको सिर्फ खुद ही उस लॉस को बेयर करना होगा, जितना रिस्क हो सारा उसी व्यक्ति पर ही होता है। कम स्थायित्व, ज़्यादा लंबे टाइम तक ये चला पाना मुश्किल होता है, जब व्यवसाय बढ़ जाता है तो उसको और भी लोगों को शामिल करना पड़ता है। कोई रोकथाम और नियंत्रण नहीं होता। बड़े पैमाने व्यवसाय के लाभ की संभावना, ये जो छोटे पैमाने पर हम ज़्यादातर देखा जाता है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है छोटे पैमाने पर ही होती है, तो बड़े पैमाने के जो भी बेनिफिट्स होते हैं उसको नहीं मिल पाते, तो ये सारे क्या हो जाती हैं, सीमाएँ हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा सेफ हिंदू परिवार व्यवसाय, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। जैसे कि हमारे भारत में अगर हम बात करें तो सेफ परिवार का प्रश्न बहुत रहा है, तो वहाँ पर जो भी जितने भी घर में लोग होते हैं मिल करके संयुक्त रूप से अपना व्यवसाय करते हैं, उसी में ही फैमिली बिजनेस में ही आगे भी लोग शामिल होते चले जाते हैं। तो ये प्रथा जो है ज़्यादातर आपकी बुक के अकॉर्डिंग हिंदुओं में पाई जाती है। सेफ हिंदू परिवार व्यवसाय एक प्रकार की ऐसी व्यवसाय की इकाई है जो संयुक्त या अविभाजित हिंदू परिवार द्वारा चलाई जाती है, और इसमें जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है वो उसको संभालता है और दूसरे सदस्य क्या होते हैं इसमें जुड़ते चले जाते हैं आगे जो भी व्यवसाय आते जाते हैं। तो इस तरह के आपने बहुत से बिजनेस देखे होंगे, फैमिली बिजनेस हैं, उनके उनकी नेक्स्ट जनरेशन उसको ज्वाइन करती जा रही है, वो बिजनेस आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या विशेषताएँ होती हैं ऐसे बिजनेस की स्थापना? इसकी जो स्थापना होती है, परिवार में कम से कम 2 सदस्य तथा कुछ पैतृक संपत्ति होनी चाहिए तब होती है। वैधानिक स्थिति, कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय एक सामूहिक स्वामित्व वाला व्यवसाय होता है, यह हिंदू स्वामी उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के द्वारा शासित है, यानी कि जो एक अधिनियम आया है उसके द्वारा इसका इसको चलाया जाता है। सदस्यता, कि जितने भी उस परिवार के सदस्य होते हैं ऑटोमेटिक उनको सदस्यता मिलती जाती है, लेकिन परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति सहभागी नहीं होता। फिर लाभ का बंटवारा, आपस में लाभ के बराबर के स्थिति के हिस्सेदार होते हैं, आपस में जो भी प्रॉफिट या तो डिसाइड करें या तो फिर जो भी होता है प्रॉफिट वो सब इक्वली डिवाइडेड हो जाता है। प्रबंधन, आपस में मिलकर ही सबसे पहला जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसे परिवार का या बिजनेस का व्यवसाय का कर्ता कहा जाता है, और वो मेनली सारी चीज़ें देखता है, और परिवार के दूसरे सदस्यों को प्रबंधन में भाग लेने का कोई भी अधिकार नहीं होता। कर्ता जो भी चाहता है अपने अकॉर्डिंग बिजनेस को जैसे भी चाहता है चलाता है। दायित्व क्या होगा, सबका मिल करके होता है, तो उनके अंश जितना होगा उस व्यवसाय में उस अंश तक क्या होता है उनका दायित्व सीमित होता है। लेकिन जो कर्ता होता है, यहाँ बता रखिएगा, जो कर्ता होता है उसका दायित्व क्या है, वो असीमित होता है। निरंतरता, इसमें क्या रहेगा कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु भी हो जा रही है, परिवार का कोई सदस्य है जो बिजनेस में शामिल था उसकी मृत्यु भी हो जा रही है, तो भी बिजनेस का प्रभाव नहीं पड़ता, वो बिजनेस चलता रहता है। तो ये हो जाएंगी इसकी विशेषताएँ। अब इसके गुण क्या होते हैं, गुण में होता है कि निश्चित लाभांश, क्योंकि आपस में मिलकर ही व्यवसाय चला रहे हैं और जो भी चला रहे होते हैं पार्टनर्स होते हैं उनको सहसमांशी कहा जाता है, तो उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए उनका जो लाभ होता है वो भी पहले से ही आश्वस्त होता है।
फिर आएगा कि शीघ्र निर्णय, क्योंकि एक ही परिवार से रिलेटेड होते हैं और कर्ता जो होता है वो पूरी तरह से सर्वा होता है, तो निर्णय लेना जल्दी हो जाता है। ज्ञान का अनुभव और बांटना, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो सारी क्वालिटीज भी समझ लिए ट्रांसफर हो रही होती हैं। कहते हैं ना कि जो है किसी का फैमिली बिजनेस होता है तो एक ऑटोमेटिक मेंटेलिटी सब में ये रहती है कि वही बिजनेस ही आगे की जनरेशन भी लेकर के जाएगी। अब कुछ होते हैं कि अलग भी अपना कुछ व्यवसाय करने लगेंगे या किसी गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में ज्वाइन कर लें, लेकिन माना ये जाता है मोस्टली कि फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन किया जाता है। बिजनेसों का सीमित दायित्व होता है, कर्ता का सीमित होता है, निरंतर अस्तित्व बना रहता है। कर लाभ की कर के उद्देश्य से इंदौर अविभाजित परिवार एक स्वतंत्र करदाता इकाई होता है। व्यवसाय से प्राप्त आय पर व्यवसाय के नाम से आयकर की गणना की जाती है, यानी कि जो भी इनकम होती है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF के नाम से ही उस पर टैक्स लगाया जाता है। आपने इनकम टैक्स अगर पढ़ी होगी तो वहाँ पर देखा होगा कि एक व्यक्ति करदाता होता है, HUF होता है, बहुत सी चीज़ें रहती हैं। ये हो जाएंगे गुण। अब आ जाता है लिमिटेशन, तो सीमित संसाधन होते हैं। एक बिजनेस क्योंकि एक फैमिली के अंदर ही चल रहा है तो उनके संसाधन भी क्या होते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। प्रेरणा की कमी होती है क्योंकि लाभ का बराबर का हिस्सा होता है, कोई प्रबंध में डायरेक्टली भागीदार ना हो, इतना अपना इनपुट नहीं दे पा रहा फिर भी उसको लाभ पूरा ही मिल रहा है। अधिकारों के दुरुपयोग की संभावना रहती है, अस्थिरता रहती है, क्योंकि आपस में कभी भी किसी भी तरह का फैमिली में कोई भी लड़ाई झगड़ा होना या आपस में एक दूसरे के तरह के विचारों के साथ सहमत ना हो पाने की दशा में क्या होता है, अलग हो सकते हैं, टूट सकता है, तो उसका इफेक्ट बिजनेस पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, सीमाएँ हो जाती हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इसका, साझेदारी पार्टनरशिप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये साझेदारी। साझेदारी जो होती है, अभी तक जो आपने पढ़ा एकल स्वामित्व या फिर जो पढ़ा कि हिंदूवादी परिवार, तो एक तरह से वो सब एक में ही चल रहा होता है, एक ही घर के लोगों सदस्यों के बीच होता है। जब बात साझेदारी की आती है तो साझेदारी एक बड़े पैमाने पर हो जाता है। साझेदारी में क्या होता है कि इनके साधन भी असीमित हो जाते हैं, नया नया टैलेंट होता है, नए नए अवसर होते हैं, कई लोग मिल करके काम करते हैं, तो वो हो जाती है साझेदारी। यानी कि जब दो से अधिक लोग मिल करके किसी व्यवसाय को चलाते हैं, उसे प्रबंधन में भागीदार होते हैं, उनकी तरफ से कोई एक व्यक्ति प्रबंध करेगा या फिर सब मिल करके कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाती है, साझेदारी कहलाती है। अब इसमें जेल हंसन ने जो डिफिनेशन दी है कि साझेदारी व्यक्ति व्यावसायिक संगठन का एक ऐसा रूप है जिसमें दो अथवा दो से अधिक और अधिक से अधिक 20 व्यक्ति किसी के कारोबार को करने के लिए एक साथ मिल जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कम से कम दो और इस दो से ज़्यादा अधिकतम 20 व्यक्ति मिलकर के काम करते हैं। जब बैंक की बात की जा रही होती है तो बैंक के लिए ये संख्या क्या हो जाती है, 10 व्यक्ति होते हैं। और भारतीय साझेदारी अधिनियम या फिर भारतीय भागीदारी अधिनियम बना है 1932, इसके अंतर्गत जो होता है, जो साझेदारी होती है उसके नियम हैं, प्रावधान हैं, सारे दिए रखे हैं। इसमें जो डिफिनेशन दी है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी के द्वारा संचालित अथवा सभी की ओर से उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित कारोबार का लाभ बांटने के लिए सहमत होते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि कोई एक व्यक्ति या फिर वो सब मिल करके उस साझेदारी को चलाते हैं। तो इसको समझ लिया होगा आपने साझेदारी क्या होती है। विशेषताओं में और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगी चीज़ें, क्या विशेषताएं हैं, एक से अधिक व्यक्ति होता है, क्लियर हो गया आपको। संविदात्मक संबंध, आपस में उनमें समझौता होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि लिखित होता है क्या, लिखित तो डिपेंड करता है उनके पर, चाहे तो लिखित समझौता और चाहे तो अगर लिखित नहीं होता तो उसको मौखिक भी कर सकते हैं, और उसको क्या क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड होता है, यानी कि साझेदारी विलेख या संलेख बोला जाता है उसको, ध्यान में रखिएगा। हो सकता है आप देखिए जिन बच्चों का पेपर हो रहा हो तो वहाँ पर साझेदारी विलेख या फिर साझेदारी संलेख कहते हैं, इंग्लिश में पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि किस आधार पर होगा, कितना लाभ डिवाइड किया जाएगा, किस तरह से नया पार्टनर आएगा तो कौन से प्रावधान होंगे, सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि इंटरेस्ट पूंजी पर दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, आरआर पर ब्याज लगेगा नहीं लगेगा, सारी चीज़ें उसमें डिसाइड होती हैं। लाभ का बंटवारा, लाभ बढ़ाने का बंटवारा करने के लिए भी आपस में अनुबंध रहता है ये कितना होगा। कारोबार का विद्यमान होना, साझेदारों के बीच जो भी बिजनेस किया जा रहा होता है, जो उद्देश्य होता है उसका वैधानिक होना चाहिए, विधिपूर्ण होना चाहिए, उसी के अनुसार वो अपना लाभ भी बांटते हैं, यानी कि लाभ के उद्देश्य से ही कार्य कर रहे होते हैं। मालिक एजेंट संबंध, फर्म का कारोबार सभी के द्वारा अथवा सभी की ओर से एक अथवा कुछ के द्वारा चलाया जाता है। प्रत्येक साझेदार भी जो होता है वो एक पक्षकार होता है और वो एजेंट की तरह ही उस साझेदारी में काम भी कर रहा होता है। असीमित दायित्व, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें जो साझेदार होते हैं आपस में, तो साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित ही होता है,
और जैसे कि 5 लोग मिलकर के कोई व्यवसाय कर रहे हैं और अगर कोई हानि हो जा रही है या किसी ने ऋण लिया वापस, किसको करना है, साझेदारी के लिए बिजनेस के लिए ऋण लिया है, लोन लिया है, उसको वापस चुकाना है, तो अगर 1-2 व्यक्ति नहीं चुका पा रहे हैं तो बाकी के 3 व्यक्ति या 4 व्यक्तियों पर दायित्व आ जाता है कि उस लोन को चुकाए, वो तो इनका दायित्व जो होता है वो असीमित होता है। सदस्यता तथा ईमानदारी, यहाँ पर ये रहेगा कि जो आपस में उनका संबंध होता है, एक दूसरे पर विश्वासित होता है, ईमानदार होना चाहिए, तभी मिलकर के वो सही से कार्य करते हैं, क्योंकि साझेदारी दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट हो रहा है या फिर जो भी सदस्यता है आपकी, वो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं की जाती है, मिल करके एक साथ ही काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि इसका रजिस्टर्ड करवाना ना करवाना अनिवार्य नहीं होता, आप चाहें तो रजिस्टर्ड करवाएं या ना चाहें तो इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं। इस वजह से यहाँ पर ये जो टिका होता है पूरी तरह से साझेदारी एक दूसरे के ऑनेस्टी पर और विश्वास पर टिकी होती है। एक और पॉइंट दे रखा है शेयरों के हस्तांतरण पर रोक, जैसे कि भी मैंने बताया था कि आप अपने अंशों को दूसरे किसी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। वर्गीकरण किया गया है ये कितनी तरह की होती है, तो उन्होंने साझेदारों को जो वर्गीकरण किया है, आइए इसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे फिगर, भाग लेने की सीमा के आधार पर सक्रिय निष्क्रिय, कि काम में जो भाग ले रहे हैं वो सक्रिय साझेदार हैं, जो भाग नहीं लेते हैं वो निष्क्रिय साझेदार, यानी कि फर्म के संचालन में ऑपरेशंस जो हो रहे हैं, मैनेजमेंट जो है उसमें भाग नहीं लेते तो निष्क्रिय साझेदार हैं। लाभभागता के नाम मात्र के केवल लाभ में भाग प्राप्त करने वाले साझेदार, नाम मात्र के साझेदार हो जाते हैं कि फर्म को केवल अपना नाम ही, मतलब अपने नाम ही देते हैं, साझेदार कहला रहा है वो, ना तो कोई पूंजी लगा रहा है, ना ही दिन प्रतिदिन के कार्यों तथा प्रबंधन में भाग लेते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर किसी अदर व्यक्ति के साथ कोई साझेदार, कोई भी अनुबंध किया जा रहा है तो वहाँ पर ये साझेदार उत्तरदायी होते हैं, केवल लाभ में भाग प्राप्त करने वाले साझेदार। या इससे क्या रहता है कि ये सिर्फ प्रॉफिट में ही हिस्सेदार होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है, जो अव्यस्त व्यक्ति होते हैं अगर उनको साझेदार बनाया जा रहा है तो वो सिर्फ लाभ जो होगा उसमें ही भाग प्राप्त, उनको प्रॉफिट में ही शेयर दिया जाता है, किसी तरह की हानि हो रही है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो भी अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो उसमें इनका दायित्व नहीं बनता है, वो हो जाते हैं केवल प्रॉफिट के लिए। फिर आ जाता है दायित्व का आधार, सीमित साझेदार, सामान्य साझेदार। सीमित, जिनका दायित्व सीमित होता है, उनके द्वारा जो उनका हिस्सा होगा उससे या पूंजी जिसकी लगा रहे हैं उस तक सीमित हो सकता है, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट आपस में होगा। सामान्य, जिनका असीमित रहेगा। फिर व्यवहार के प्रकृति के आधार पर विभिन्न जात साझेदार और लब्धेशन जात साझेदार, ये क्या होते हैं ये देखते हैं। इसमें जो विभिन्न जात साझेदार होते हैं कि कोई व्यक्ति जब जनता के सामने इस प्रकार व्यवहार करता है कि यह समझने लगती है कि वह व्यक्ति फर्म का साझेदार है, यानी कि इस तरह से रिएक्ट कर रहा है कि वो कि सामने वाले व्यक्तियों को लग रहा है कि ये फर्म में एक पार्टनर है परंतु एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को फर्म के लाभ में भाग नहीं मिलता परंतु वह फर्म दायित्वों के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो व्यक्ति कहलाता है विबंध जा साझेदार। फिर जो रेपुटेशन जा साझेदार होता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, उसमें क्या रहेगा कि यदि फर्म का साझेदार यह प्रदर्शित करता है कि अमुक व्यक्ति भी इस फर्म में साझेदार है और जब उस व्यक्ति को ये पता चलता है तब भी वह इस बात से इनकार नहीं करता, अर्थात या नहीं कहता है कि फर्म साझेदार नहीं है, यानी कि मतलब कहने का ये है कि एक व्यक्ति जो एक्चुअल में साझेदार नहीं होता लेकिन जो साझेदार है उस फर्म का ये कह रहा है कि व्यक्ति साझेदार है और वो व्यक्ति भी इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि मैं साझेदार नहीं हूँ, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, जब देशनजात साझेदार कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे साझेदारी के जो प्रकार थे क्या होते हैं। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट है ये देख लेते हैं कि जो साझेदारी विलेख है, जैसे कि मैंने बताया था कि आपस में जो समझौता होता है जो लिखित होगा उसे क्या कहते हैं, साझेदारी विलेख पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी होती हैं, फर्म का नाम होता है, किस तरह का बिजनेस किया जा रहा है, कितने पार्टनर्स, उनका नाम, किस जगह पर बिजनेस किया जा रहा है, उस जगह का नाम, कारोबार क्या है, कितने कैपिटल से किया जाएगा, साझेदार जो हैं जितने कितनी कितनी कैपिटल लगा रहे हैं, आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, जो भी ऋण लिया जा रहा है, लोन लिया जा रहा है या एडवांस लिया जा रहा है उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो भी आहरण करेंगे, ड्राइंग्स करेंगे, किस सीमा तक करेंगे, उस पर ब्याज की दर क्या होगी, जो कैपिटल है उस पर कितना इंटरेस्ट होगा, क्या साझेदार जो है उनके कर्तव्य अधिकार और दायित्व क्या होंगे, जो सक्रिय साझेदार हैं उनको कितना पारिश्रमिक अगर दिया जा रहा है तो कितना होगा,
जो लेखा पुस्तकें रखी गई हैं उनका रख रखाव और उनकी लेखा परीक्षा ऑडिट किस तरह से होगा। साझेदारी का विघटन की अगर स्थिति आ रही है तो वहाँ पर कैसे उसका निपटारा किया जाएगा। किसी साझेदारी के प्रवेश में उसकी मृत्यु हो जाने पर या फिर अवकाश ग्रहण करने पर जो गुडविल होती है उसका मूल्यांकन किस तरह से होगा। समय सुनाम या फिर ख्याति बोलते हैं इसे। साझेदार के प्रवेश, उसकी मृत्यु तथा अवकाश ग्रहण करने के समय परिसंपत्तियों और देयताओं के पुनः मूल्यांकन की विधि क्या होगी। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की विधि तथा अवकाश प्राप्त साझेदार अथवा मृत साझेदार को मिलने वाली रकम का भुगतान किस तरह से किया जाएगा। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो एक पार्टनरशिप डीड में होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है कि साझेदारी विलेख में क्या चीज़ें रहती हैं या साझेदारी विलेख क्या होता है, तो वहाँ पर आप ये सारे पॉइंट्स को लिखना है। और अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो ऑब्जेक्टिव पेपर में अगर आपसे पूछ सकता है कि साझेदारी विलेख में कौन कौन सी चीज़ें दर्शाई जाती हैं, तो चार पॉइंट होंगे, हो सकता है कोई तीन दिखाई जा रही हो तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, कोई एक होगी तो वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। अब बात आती है कि फर्म का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, अनिवार्य नहीं है। आवश्यकता हो चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अनिवार्य नहीं है। अगर करवाया जा रहा है तो वहाँ पर फर्म को पंजीकृत कराने के लिए फर्म के बारे में पूर्ण विवरण लिख करके एक प्रार्थना पत्र को पंजीकरण की फीस के साथ रजिस्ट्रार के कार्यालय में भेजा जाता है। आवश्यक कार्रवाई करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आ जाता है कि क्या इसकी गुण है और क्या इसकी सीमाएं हैं। इजी होता है, समूह स्थापना है, रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है, तो डिपेंड करता है साझेदार चाहें तो करवाएं, नहीं तो आपस में मिलकर भी हो सकते हैं। वैसे एकल स्वामित्व की तुलना में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर हम बात कंपनी की करें तो उसके कंपैरिजन में साझेदारी उसको स्थापित करना आसान होगा। अधिक पूंजी की उपलब्धता होती है, अधिक विविध कौशल तथा विशेषज्ञता मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, गोपनीयता, क्योंकि आपस में जो साझेदार हैं वही मिलकर काम कर रहे हैं, किसी और को उन्हें इस बारे में सोचना नहीं देनी है, तो गोपनीय भी होता है। गहन रुचि, क्योंकि जो भी साझेदार हैं आपस में ही प्रॉफिट का भी शेयर करेंगे, लॉस भी शेयर करेंगे, तो आपस में सबकी इंटरेस्ट इक्वल होता है। सुरक्षा रहती है, लापरवाही से किए जाने वाले नियमों पर रोकथाम तथा नियंत्रण, क्योंकि एक साझेदार दूसरे साझेदार के कार्यों पर नियंत्रण रखता है, ध्यान रखता है, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जिससे कि हानि हो। बिना जोखिम का बंटवारा, कोई एक व्यक्ति अकेला वहन नहीं करता, जो साझेदार हैं सब मिलकर करते हैं। फिर आ जाती हैं लिमिटेशन, सीमाएँ, सीमित पूंजी, क्योंकि जो सदस्य होते हैं एक बैंकिंग व्यवसाय में 20 और एक गैर बैंकिंग व्यवसाय में 20 और बैंकिंग में 10 होते हैं, तो पूंजी जुटाने के लिए अगर हम कंपनी का कंपैरिजन करें तो उनके पास साधन सीमित होते हैं। असीमित दायित्व होता है, ये सबसे बड़ा इसका जो है जो ड्रॉबैक कहिए या डीमेरिट कहिए। जन विश्वास नहीं होता, लोग आपस में, लोगों को जो होता है पार्टनरशिप पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि कभी आपस में कोई मतभेद हो रहा है तो पार्टनरशिप समाप्त भी हो सकती है। क्योंकि जैसे कि एक कंपनी में किसी सदस्य आने जाने से कंपनी बंद नहीं होगी, लेकिन साझेदारी में किसी की मृत्यु हो जाए या कोई सदस्य उसे को छोड़ देता है तो वहाँ पर साझेदारी समाप्त हो जाती है। हित की अहस्तांतरणता, यानी कि जो हित होता है अपना इंटरेस्ट को किसी दूसरे को शेयर नहीं किया जा सकता, यानी कि ट्रांसफरेबल नहीं होता इसमें। अनिश्चितता होती है कि किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर, पागल दिवालिया हो जाने पर साझेदारी का विघटन हो जाएगा, जैसे कि अभी मैंने बताया था। साझेदारों में विरोध, आपस में किसी तरह की कोई विरोध हो जाता है, मतभेद हो जाता है, तो उसमें भी क्या रहता है कि फर्म का विघटन हो सकता है, समाप्त हो सकती है। निहित अधिकार की जोखिम, कि सभी साझेदारों का अधिकार उसमें निहित होता है, तो जिस वजह से एक साझेदार दूसरे साझेदार के कार्य के लिए बाधित हो जाता है। कि एक साझेदार ने कोई गलत डिसीजन ले लिया, कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो बाकी साझेदार भी उसको पूरा करने के लिए क्या होते हैं, बाधित हो जाते हैं। इसलिए भी इसकी एक बीमारी कहती है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसके गुण या आपके दोष होते हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर वाले जो हैं उनका लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। आज के वीडियो में हमने पढ़ा है साझेदारी क्या होती है। जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि कंपनी क्या होती है, एक कंपनी की कैसे शुरुआत होती है उसके बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, फिर साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.